मेरा नाम रामचंद्र आर राजभर है। जब से डांस क्लासेज गया है तब से उसके शरीर की एक्टिविटी जो होती है वो उसमें बहुत चेंजेस आया है। परफेक्ट एनर्जी है जो डांस क्लास जाने के बाद वो जो सीखा उसके सर है तेजस सर, उन्होंने जो उसको सिखाया वो बहुत बहुत ऊंचे लेवल पे वो जाता है वो सीखने का उसका। और वो जब से डांस क्लासेस ज्वाइन किया तब से उसके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। वो कभी थकता नहीं, सुबह 7 बजे से लेके अभी स्कूल चालू था तब से लेके रात को 9 बजे तक डांस क्लास में जाता है। और डांस क्लास में भी उसको पूरा सपोर्ट मिलता है क्योंकि डांस क्लास के जो सर होते हैं वो लोग उसको जो सिखाते हैं उसको जिस तरह से बताते हैं उस तरह से वो घर पे भी आके वो प्रैक्टिस करता है। तो इस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, डांस क्लास में जाने के बाद उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया है। एडवांस डांस एकेडमी में आने के बाद मोहित ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, एक तो डांस का, दूसरा खुद भी इतना मेहनत करता है कि मेरे तेजस सर ऐसा सिखाते हैं वो सर ऐसा सिखाते हैं, और दूसरा वो जीत के आया उसमें उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और 1 साल से डांस में मोहित एकेडमी जाता है लेकिन अभी उसका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से वो बहुत एनर्जी शरीर में, और उसके सर लोग जो उसके पीछे मेहनत करते हैं उसके लिए मैं सर लोगों को बहुत धन्यवाद कहूँगा। और ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं मोहित को, जो उसका सीखने का है उसका एडवांस के अंगारे डांस एकेडमी में जो पिछले 1 साल में सीखा है वो मैंने अदरवाइज दूसरे एकेडमी से भी कंपेयर करके देखा, लेकिन मेरे को अदरवाइज जो एकेडमी है उसमें यदि 50% का इम्प्रूव हुआ है तो इसमें 75-80 का इम्प्रूव हुआ है। और दूसरा है कि जो पूरा जो स्टाफ एक काम करता है एकेडमी में, जो स्टाफ होता है या सर होते हैं वो लोग बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, बच्चे उनके साथ कैसे वो मैनेज करते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं जब से देखा हूँ मेरे लड़के में जो इम्प्रूव हुआ है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज हुआ, उसका रहन सहन का तरीका, उसके डांस करने के तरीके, वो बहुत बेटर नज़र आता है मेरे को। इसके लिए मैं जब से वो डांस एकेडमी में ज्वाइंट हुआ है खुद तो मेहनत करता है लेकिन उसके पीछे उनकी जो टीम होती है वो जितनी मेहनत करती है उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं पूरी टीम को पूरे तहे दिल से बधाई देता हूँ क्योंकि जो लड़के का एक्टिविटी है वो पूरा टीम ही देती है। बच्चा तो सिर्फ करता है लेकिन कराने के लिए जो एक्टिविटी जो वातावरण क्रिएट करना होता है वो तो टीम ही करती है। तो मैं एडवांस के अंगारे पूरे ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। डांस एकेडमी ज्वाइन किया तब से उसके बोलने का जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो गया है, बच्चों के साथ जो घुल मिल के बात करता है वैसे। और डांस में जाने के बाद वो मोहित कभी ऐसे चल के सीधा जाता नहीं है, वो एक्शन ही करते जाता है। उसको इतना डांस के प्रति, जब भी होता है घर में सोने जाता है तो भी वो एक स्टेप करके सोता है। फ्लैट के लोग ऐसा बोलते हैं कि रामचंद्र भाई आपका लड़का कभी सीधा चलता ही नहीं है, और वो लोग भी मेरे को बोलते हैं कि आपका बच्चा जितना तेजी से आगे बढ़ा उतना हमने अभी कभी देखा नहीं। मैं बोला वो उनके जो टीम है उस पे डिपेंड करता है कि आदमी का टीम वर्क कैसे काम करता है। यदि बच्चा कितना भी सिंसियर क्यों ना हो लेकिन टीम वर्क सही नहीं है ना तो बच्चा आगे नहीं जा सकता है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जो एकेडमी है बच्चों को इतना अच्छा वो सिखाते हैं जिससे बच्चों को दूसरी एक्टिविटी भी उनकी नहीं है, वो लोग मैनेज करते हैं कि बच्चे में ये बदलाव ना हो, बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो, घर वालों को ये प्रॉब्लम ना हो, वो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्या है कि मोहित जो स्टंट करता है कभी कभी जब भी लाइव परफॉर्मेंस देखते तो डर तो लगता है लेकिन कोई भी चीज है एक ने ऐसा सोचे कि मोहित इतना स्टंट करता है उसमें लग जाएगा ये होगा नहीं, अपने को वो टीम वर्क पे भी भरोसा होता है कि टीम वर्क ने प्रैक्टिस किया होगा तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कराया होगा क्योंकि अपने से ज़्यादा टीम वर्क जानती है कि बच्चा है तो उसको किस तरह का एक्टिविटी कराना, किस तरह का स्टंट कराना है या उसको किस पे डांस करना है, क्योंकि वो बच्चा इस चीज़ में मेरे से ज़्यादा टाइम वो टीम लेती है उसके पास या टीम के साथ रहता है। तो टीम भी उतना कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये बच्चा कर सकता है, तो उसमें अपने को कोई शक नहीं होता कि नहीं मेरा बच्चा गिर जाएगा या उसमें कुछ होगा, ऐसा कुछ मन में नहीं आता। लेकिन स्टंट करने के बाद अपने को भी ऐसा फील होता है कि नहीं मेरा बच्चा कुछ सीखा, कुछ किया है।
ऐसा बहुत अच्छा फील होता है मन में। दो तीन बंदे और मेरे यार दोस्त भी जब भी मेरे को बोलते हैं ना कि आपका बच्चा के बहुत सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है और सही काम कर रहा है, अच्छा डांस किया, तो मन में ऐसा फीलिंग जागती है कि नहीं, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं कभी मेरे बच्चे को कभी ऐसा डांस के बारे में, कभी मेरा बच्चा बोलता है कि पापा मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं कभी उसको नहीं, क्योंकि एक बात है कि सर लोग तो ग्रुप तो उनका पूरा काम कर रहा है, लेकिन जो फैमिली है, मेंबर्स है, मदर है, फादर है, तो मेरा मानना है कि यदि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे एकेडमी तो अपना काम कर रही है, सर लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो मदर फादर की जो जवाबदारी होती है उनको भी निभाना चाहिए, क्योंकि बच्चा इतना मेहनत करता है, एकेडमी उसके पीछे पूरा मेहनत करती, तो थोड़ा तो माँ बाप को भी उसमें सहयोग देना पड़े। यदि आपका बच्चा डांस में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे ना तो वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो बच्चे को, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है, अभी मैं मेरे बच्चे को क्रिकेट खिलाऊँ या फुटबॉल खिलाऊँ तो बच्चा आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक तो उसका बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। देखो, किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसका बैकग्राउंड सपोर्ट होना जरूरी है, उसमें मदर फादर सब आगे, घर में मोस्ट जो भी इन्वॉल्व हो, तो उनको मेरा सबको यही बोलना है कि आपका बच्चा यदि एकेडमी में जा रहा है, अच्छा कर रहा है, सर लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो आप उसको उस रास्ते पे जाने दीजिए, क्योंकि वो बच्चा यदि डांस में उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप उसको सपोर्ट करो ना। सर, मैंने दो चीज़ कंपेयर की है, एक तो पहले मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उनके भी बच्चे एकेडमी में जाते हैं, कुछ लोगों का मणिनगर में भी जाते हैं, बहुत हाई क्लास एकेडमी में जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तो जो उनका स्टाफ है वो बच्चों को जिस तरह बच्चों के साथ जो बिहेवियर करते हैं ना, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका स्टाफ बच्चों के साथ सही बिहेवियर नहीं करेगा ना, तो बच्चा क्या होगा, दूसरा स्टेप सीखेगा, तीसरे में भूल जाएगा, या उसका बोलने का तरीका वो कैचअप नहीं कर पाएगा। और रही बात कंपेयर की, तो मैंने ये कंपेयर किया कि जो एडवांस के अंगारे जो एकेडमी है उसमें जो स्टंट्स है ना, वो मेरे को बहुत परफेक्ट स्टंट लगता है, वो मेरे बच्चे के लिए नहीं, अदरवाइज मैंने जितने बच्चों का भी डांस देखा और लाइव शो भी मैंने देखे, लेकिन वो बच्चों का जो डांस करने का तरीका या उनका जो बैकग्राउंड जो भी सेट करते हैं गाने पे, वो मेरे को डिफरेंट लगा, क्योंकि अदरवाइज मैंने दो तीन डांस मैंने लाइव देखे हुए हैं, तो मेरे को एक तो स्टंट्स का बहुत बड़ा वो है, क्योंकि उनके कुछ चीज़ों में तो उनके सर लोगों को भी मैंने देखा है, तो उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मेरे को मन में ऐसा फीलिंग आता है कि सर लोग ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो बच्चे को कैसा परफॉर्मेंस, क्योंकि हर गुरु ऐसा चाहता है कि मेरा चेला मेरे से अच्छा स्टेप करे। बस मैं खाली इतना ही बोलना चाहूँगा, और है ना, एडवांस के अंगारे सभी टीम, एक एवरी मेंबर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू। मेरा नाम मोहिता राजपुर है, एडवांस डांस एकेडमी में जाता हूँ, सर का नाम है तेजस सर, डांस और स्टंट्स दोनों सिखाते हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, उसको डांस करते करते सर ने मुझे स्टेट लेवल तक तो पहुँचा दिया है, पर मुझे अब डांस करते करते स्टंट करते करते नेशनल लेवल पे जाना है। मेरे को सर तीन बार बुलाते हैं, एक तो सुबह बुलाते हैं, शाम को बुलाते हैं और रात को बुलाते हैं, और सर मेरे खुद भी प्रैक्टिस करते हैं और मुझे भी कराते हैं, और क्लास में नाश्ता करते हैं, मस्ती करते हैं, हम मस्ती ज़्यादा करते तो सर गुस्सा भी करते हैं, पर थोड़ा मीडियम में गुस्सा करते हैं, इतना भी नहीं। सभी सर और मैम को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ।